हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त कनेडियन बनिया। आज की वीडियो में मैं आपके साथ, जो आपको पता ही होगा कि क्यूबेक का जो प्रोटेस्ट हुआ है उसके रिजल्ट की बात करूंगा कि क्या उसका रिजल्ट होगा, क्या नहीं होगा। कुछ हम एजम्पशंस लगाएंगे कि क्या रिजल्ट हो सकता है उसका। बट जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल ही प्रोटेस्ट था और आज ही कनाडा गवर्नमेंट ने न्यूज़ दे दी है कि आपका जो VFS सेंटर है वो क्लोज हो गया है। सो उससे कुछ स्टूडेंट्स को असर पड़ेगा, जो स्टूडेंट्स अभी क्यूबेक की फाइल लगाने वाले थे। लेकिन कुछ स्टूडेंट जो अभी तक PPR का वेट कर रहे हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बट दोस्तों, प्रॉब्लम यह है कि अगर उनकी PPR, सोचिए, कल से ही स्टार्ट हो जाती है तो क्या होगा, क्योंकि जो पासपोर्ट रिक्वेस्ट आने के बाद आपका पासपोर्ट स्टैंपिंग का प्रोसेस है वो क्लोज हो गया है। मीन्स अगर वन प्रॉब्लम खत्म होती है तो सेकंड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, पर फर्स्ट प्रॉब्लम खत्म होने से पहले। सो ये नहीं पता अभी तक क्विबेक पर टेस्ट का क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या रिजल्ट रहेगा। बट डूबते को तिनके का सारा, जो कि आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि जो आपके प्रोटेस्ट के कारण एक न्यूज़ आई है CDI कॉलेज से, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा अभी। बट दोस्तों, उससे पहले जो क्यूबेक का प्रोटेस्ट है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं इस टाइम यहाँ पर हूँ कनाडा में, सो मैं वहाँ उसका पार्ट नहीं बन सका, लेकिन मैंने अपनी वीडियोज़ के साथ उनका साथ दिया है। एंड वीडियोज़ में मैंने अपने शेयर किया है कि मैं उनके साथ हूँ। सो स्टूडेंट्स को मैसेज दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी स्टूडेंट्स इंडिया में हैं उनका पहुँच कर साथ दें, एंड वो प्रोटोकॉल फॉलो करें जो पुलिस ने उनको दिया था, एंड लाइक सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह। सो उन्होंने सब कुछ फॉलो किया है एंड शांति से एकदम किया है, एंड वो अपने घर आ गए हैं। बट दोस्तों, ये नहीं है कि अगर आप घर आ गए हैं तो आपको कोई उसका असर देखने को नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा, जरूर रिजल्ट मिलेंगे आपको अच्छे से। सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके लिए है जिनकी अभी तक PPR नहीं आई है, क्योंकि फ्रेंड्स, जिनकी फाइल एम्बेसी में है इस टाइम, वो कोई और डिसीजन नहीं ले सकते। सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि या ना तो वो इंडिया में कोई स्टडी कर सकते हैं, ना ही आपकी मॉन्ट्रियल से फाइल निकलवा कर वहाँ से लगा सकते हैं, क्योंकि इस यहाँ पर इस पड़ाव पर आकर आपके लिए फाइल विदड्रॉ करना मतलब एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है आपके लिए कि करी जाए या नहीं करी जाए। आप भी कहीं से सजेशन ले रहे होंगे कि क्या करूँ क्या ना करूँ, क्योंकि कुछ कमेंट्स तो मैंने ऐसे देखे हैं यूट्यूब वीडियोज़ पर कि अब तो गाइज रिफ्यूज़ल ही आ जाए, अब तो रिफ्यूज़ल ही आ जाए, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपने सितंबर से ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे थे। सो सितंबर इनटेक भी उनका फर्स्ट सेम हो गया एंड सेकंड सेम की क्लासेस लगा रहे हैं। सो वो कह रहे हैं कि हमारा रिफ्यूज़ल ही आ जाए, क्योंकि अगर हमारा रिफ्यूज़ल आ जाता तो कम से कम हमें फीस तो वापस मिल जाएगी, अपनी फीस तो नहीं कटेगी हमारी, क्योंकि या तो उनका वीज़ा आ जाएगा लेकिन वीज़ा आ नहीं रहा है। सो अगर वो विदड्रॉल करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारी जो फीस है, जितनी हमने स्टडी अब तक कर लिया है, वो हमें काट के मिलेगी। सो ये प्रॉब्लम्स उनको आ रही है। सो स्टूडेंट्स बहुत ही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इस टाइम भी। सो इसीलिए क्यूबेक का प्रोटेस्ट किया गया था कि क्यूबेक की PPR भी स्टार्ट हो जाए। सो अगर मैं भी उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि क्यूबेक स्टूडेंट्स के पास अगर कोई भी वीडियो अपनी है तो मेरे साथ शेयर करें, वो मैं अपने YouTube चैनल पर अपलोड करूंगा उसे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आवाज़ पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा कैनेडियन एम्बेसी तक वो जल्दी से जल्दी पहुंचे आपकी आवाज़, ताकि वो आपको PPR देना स्टार्ट करें और आप भी हमारी तरह कनेडा आ सको। सो अगर आपके पास कोई भी वीडियो है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो जिनके पास वीडियोज़ हैं वो मेरे साथ शेयर कर सकें। इंस्टाग्राम अकाउंट आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है तो वो मेरे साथ ईजिली शेयर कर सकते हैं, या मैं उन्हें व्हाट्सअप नंबर शेयर कर दूंगा अपना। सो प्लीज़ उन्हें बोलिए कि वो जल्दी से जल्दी अपनी वीडियो शेयर करें, ताकि मैं उन्हें अपलोड करूँ। एंड सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि ट्विटर का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें। जो भी ट्विटर यूज़ करते हैं उस पर ये 2 हैशटैग जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, ये 2 हैशटैग यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा कैनेडियन एम्बेसी तक अपनी बात को पहुँचाने की कोशिश करें, तभी आपके रिजल्ट आने स्टार्ट होंगे। सो ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को शेयर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें, इससे आपको रिजल्ट अच्छे देखने को मिलेंगे। सो जैसे कि मैंने बोला था डूबते को तिनके का सारा, सो वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो चलते हैं मेरे मोबाइल स्क्रीन पर, जो कि मेरे को आपको साथ शेयर करनी है। वो वीडियो शेयर करता हूँ कि क्या अभी तक न्यूज़ आई है, कि क्या उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ हो सकती है। सो फ्रेंड्स, ये है अपडेट कंसर्न्ड अबाउट योर वेल बीइंग एंड इन ऑर्डर टू सपोर्ट यू ड्यूरिंग दिस डिफिकल्ट पीरियड CDI कॉलेज हैज डिसाइडेड एज फॉलोज। उन्होंने एक डिसीजन लिया है, स्टूडेंट्स हु हैव स्टार्टेड ऑनलाइन कोर्स इन रिसेंट मंथ्स विद AIP टेम्प्रेरी एक्सेप्टेंस एंड हु हैव स्टिल नॉट ऑब्टेन देयर स्टडी परमिट एंड स्टिल अवेटिंग एन ऑफिशियल रिस्पॉन्स फ्रॉम दी इमिग्रेशन अथॉरिटी आर एलिजिबल फॉर अ पेमेंट हॉलीडे फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। सो 1 अप्रैल से वो वैलिड हैं अपनी पेमेंट को लेने के लिए वापस, विच मीन्स दैट दे कैन कंटिन्यू देयर स्टडीज एंड बेनिफिट फ्रॉम अ पेमेंट ब्रेक वाइल अवेटिंग देयर स्टडी परमिट PPR। सो नेक्स्ट, दूज हु हैव ऑलरेडी स्टार्टेड ऑनलाइन कोर्सेज विद एन AIP बट गॉट अ स्टडी परमिट रिफ्यूजल विल बी एलिजिबल फॉर अ फुल रिफंड लेस दी $250 फीस। सो आपने पढ़ा ये कि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं विद AIP, अगर आपका बाई चांस भगवान ना करे रिफ्यूज़ल आता है तो आपको $250 से भी कम फीस काट कर आपकी फ़ीस रिफंड कर दी जाएगी। सो नीचे भी आप पढ़ सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट यही थी दोस्तों CDI कॉलेज की तरफ से, जो को मेरे को आपके साथ शेयर करनी थी।
सो यही थी दोस्तों अपडेट जो CDI कॉलेज की तरफ से आई है। ये बहुत बड़ी अपडेट नहीं है, बट जो CDI कॉलेज के लिए उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि उन्हें एक हल्की सी राहत मिलेगी कि हमारे साथ अब हमें कोई फीस की टेंशन नहीं है अगर हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे। बट ये इतनी अच्छी खबर नहीं है कि आपको बहुत ही खुश होना पड़े। सो उसके लिए तो आपको अभी और वेट करना पड़ेगा। हो सकता है 1 to 2 days में आपको एक अच्छी खबर मिल जाए, हो सकता है आपकी PPR स्टार्ट हो जाए। सो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मेरी आवाज़ भी उन तक, स्टूडेंट्स तक पहुँचे सभी तक, एंड वो भी शेयर करें ट्विटर पे एंड यूट्यूब वीडियोस पे। सो मुझे भी यूट्यूब वीडियो से आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी वीडियो है उसको लेकर, प्रोटेस्ट को लेकर, तो आप मेरे साथ शेयर कीजिए, देन मैं अपने चैनल पर शेयर करूंगा। 1 वीडियो मैंने पहले से शेयर कर दी थी। सो अगर आपके पास और वीडियोस हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।